दुष्यंत को बनाएंगे? वो सामने बैठे हैं इसलिए कह रहे हो या फिर? नहीं नहीं, जो पक्का असली दिलता जी बनावा। ये कह रहे हैं कि दुष्यंत कमजोर है, क्या लगता है कमजोर? क्यों है कमजोर जी, सब कुछ है, कमजोर क्यों है? दुष्यंत कमजोर है ना? कमजोर को नमा सही है। दुष्यंत चौटाला का बहुत बढ़िया माहौल है, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी है जी। कैसा माहौल? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत तरक्की की तरफ है जी, बहुत ज्यादा रुझान हो रहा है हर गांव में। बाबू जी कैसा आप देखने लग रहे हो? सबसे बढ़िया है। लोग हैं काम के भूखे, वोट देंगे काम भी लेना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे बनेगा। दुष्यंत चौटाला का कैसा रुझान देखने का? रुझान तो बतेरा बना देंगे भाई, मारे हाथ में है माहौल बनाना, दुष्यंत का मारे हाथ में गमेराम बनाए कर बनावांगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों व उम्मीदवारों के द्वारा एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग दुष्यंत सिंह चौटाला को या जेजेपी को कमज़ोर मानते हैं, एक ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। लगभग रात का समय होने वाला है और सुबह से लगातार दुष्यंत सिंह चौटाला वो अलग अलग गाँव में जाकर अलग अलग लोगों के पास जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। और ये देखिए किस प्रकार से अभी भी दुष्यंत चौटाला के पास तांता लगा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उचाना विधानसभा क्षेत्र की। उचाना विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में दुष्यंत सिंह चौटाला वोटों की अपील कर रहे हैं और किस प्रकार से अभी भी भारी संख्या में जो लोग हैं वो दुष्यंत सिंह चौटाला को सुनने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जरा गौर से दिखाएं कितनी भारी संख्या में महिला यहाँ पर मौजूद है, जो बुजुर्ग हैं, युवा बच्चे हैं, हर कोई एक बार फिर दुष्यंत सिंह चौटाला में आस्था जताता हुआ, विश्वास जताता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि गठबंधन टूटने के बाद लगातार लोग प्रचार कर रहे थे कि जेजेपी पार्टी कमज़ोर पड़ती जा रही है, दुष्यंत सिंह चौटाला कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। भले ही तमाम जो विधायक हैं जो जननायक पार्टी से जीत कर विधानसभा में गए थे, आज वो जेजेपी का साथ भले ही छोड़ गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी नए चेहरे, नई जनता, नए जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जेजेपी पार्टी के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मेरे साथ यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में दुष्यंत सिंह चौटाला का अभी भी करेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों की जुबानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी कैसा माहौल मिल रहा है? बहुत बढ़िया। दुष्यंत चौटाला का बहुत बढ़िया माहौल है, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी है जी। कैसा माहौल? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। कैसा? बहुत तरक्की की तरफ है जी, बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है हर गांव में। बाबू जी कैसा रुझान? आप देखने लग रहे हो जी, सबसे बढ़िया है जी। सबसे बढ़िया है, जितने भी कैंडिडेट है उनके मुकाबला में सबसे ऊपर चल रहे हैं दुष्यंत। लेकिन तमाम विधायक छोड़ के चले? तमाम विधायक छोड़ के चले? चलो ये तो आने जाने चीज है, मतलब ये सीजन आ गया है कि जो इस तरीके के लोग होते हैं वो छोड़ के चले जा रहे हैं, उनका काम है जी, तमाम विधायक छोड़ के चले। ये तो जी समय समय की बात है, जो उन्होंने अपना टाइम दिखा हिसाब निकल गए, लोग तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जाने लग रहे हैं। वो तो मौसमी लोग हैं जी, वो तो हर रोज बदले हैं उनका। कौन सा पत्रकार हो आप? हम बिंदास हरियाणा चैनल से हैं, बिंदास हरियाणा चैनल से। क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है उचाना? बात यह कहना चाहते हूँ, लोग है काम करेंगे आप पे बनाएंगे, लोग हैं काम के भूखे, वोट देंगे काम भी लेना पड़ेगा, हमने काम नहीं करेंगे बनेगा कोई भी, कोई भी हुआ जो काम करेगा जी। बाबू जी कैसा माहौल है? बहुत अच्छा जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल जी हम तो संतुष्ट हैं जी। दुष्यंत चौटाला को जो कमज़ोर मान रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का भी कमज़ोर है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं कमज़ोर जी, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने छोड़ के भेज गए थे जी, तब भी नहीं हार मानी, अपने अपने स्वार्थ के लिए सब भाग्य हैं, इस बात में हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई कहीं जाओ जी। बाबू जी कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, भावी मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, जनता है। दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होते थे, अब भावी दुष्यंत चौटाला जी, सोच लीजिए। यस देखिए तमाम लोगों की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं, और हालांकि हो सकता है कि लोग ये कहें कि ये दुष्यंत चौटाला के समर्थक है, लेकिन ये गांव के आम लोग हैं, इसी वजह से हम गांव के आम लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की जुबानी आपको सुना रहे हैं। काफ़ी सारी महिलाएं भी यहां पे मौजूद है, उनकी जुबानी भी हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ माहौल है आपकी बार। हाँ जी क्या कुछ माहौल है, दुष्यंत चौटाला का कैसा रुझान देखने को मिला? रुझान तो बतेरा बना देंगे भाई, मारे हाथ में है,
मां रही है फिर बाहर देखिए युगंदा नाला या सुविधा जरूर कर दे, दुष्यंत करा देगा। आपके सामने है, बोल दीजिए। बोल दी, बोल दीजिए। हम बोल लांगे भाई, मारा युगंदा नाला देखा, हम तो मच्छर न खा लिए, मारे तो बच्चे। हाँ सब तब मैन समस्या मारी आज मोल बनाना दुष्यंत का, मारे हाथ में गम मेरा बनाए कर बनावांगे और जब बनाएंगे। हाँ जी मेरे भाई भी जल्लू आओ सारे बनावांगे भाई, जमानू बनावांगे पूरा उस्ता भाई मारा इस गंदा नाला का। हाँ जी जमा दिल खान जी बनाएंगे भाई, दुष्यंत को बनाएंगे, दुष्यंत को। हाँ वो सामने बैठे हैं इसलिए कह रहे हो या फिर? नहीं नहीं जो पक्का असली दिल था जी, बनाएंगे बनाएंगे। लेडीज की के समस्या हो के रहा, इतने झूठे बर्तन नहीं दर नहीं होने होंगे तो मार मच्छर लड़ाम तो बर्तन भी झूठे दर कसो वहाँ। अदाई क्या लगता दुष्यंत का क्या? हाँ जमा बढ़िया रहा भैया। हाँ जमा दो जमा बना सोच लीजिए। हाँ बनाएंगे अदाई दुष्यंत बनाएंगे हम बनाएंगे जी। दुष्यंत को ये कह रहे हैं कि दुष्यंत कमजोर है, क्या लगता कमजोर? ना जी कोई कमजोर क्यों है, कमजोर जी सब कुछ है, कमजोर क्यों है? दुष्यंत कमजोर है ना, कमजोर को जमा सही है कमजोर। हाँ जी दुष्यंत कमजोर है जी। हाँ जी दुष्यंत कमजोर है ना, कमजोर कौन कला में हम कमजोर रहने कौन दें दे। हाँ अरे बच्चे ने लुआ जी, बड़े हम कमजोर रहने कौन दें जी, बनावांगे। ये चाहे वो महिलाओं की बात हो या पुरुषों की बात हो, हर कोई अलग अलग गांव में यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला को जो लोग इतना कमजोर आंक रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, वो वैसे हालात उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं है। हालांकि लोग ज़्यादातर अलग अलग पार्टियों के बीच में कांटे की मुकाबला होने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उचाना की जनता किसके सिर पर चौधर का ताज सजाती है और किसको साथ देती है। बहरहाल एक बात होता है कि उचाना विधानसभा में अब की बार हवा जो है वो बदलती हुई बदली बदली नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास सिरणा।